गुरु शब्द खाली के वो खबर नहीं पड़े है, गुरु शब्द ने पहचानना पड़े, ओळखणो पड़े, थोड़ी कोशिश करनी पड़े, थोड़ी मेहनत करनी पड़े, थोड़ी हिम्मत करनी पड़े, वंडा बाद में गुरु कई चीज है समझ में आवे, एकदम समझ में नहीं आवे। यो नहीं है कि कान्यो बान्यो कुरुण सवारी पो दर नबे थारी मर्जी वे जो कर, वो कोई गुरु शिष्य को कोई संबंध नहीं वेवे, वो तो एक दुनियादारी को एक दस्तूर है। चेला की मन में रहे गुरु महाराज बना लेता आप ही शुक्र है ज्ञान गुरु महाराज जी के वहां में चलो बना ली तो वही बात में कोई फायदा वाली बात नहीं है। तो लीजिए गुरु शिष्य संवाद यानी भजन का माध्यम आप सुनोगा और समझवा की कोशिश करोगा। धन्यवाद। अरे गुरु देव के मेरे सुन चेला थोड़ा राम भजन कर गेला। हो गुरु भजन कर गेला। एक गांव का माने बड़े सुंदर एक विशाल गुरु महाराज की कुटिया बनी देखी, आश्रम बढ़िया देखो, और गांव को एक 18-20 साल को लड़को गुरु महाराज के आश्रम पे जातो, रोज गुरुदेव की सेवा करतो, वही आश्रम पे कचरो गुवारो निकालतो, बावड़ी में जल भर ला करके मटका भर देतो, छोटो मोटो कार्य वो चेलो किया करतो, लेकिन थोड़ी जल्दबाजी गणी करतो, थोड़ो समय जिशा नहीं मैं तो गुरु महाराज ने कहे तो गुरु महाराज मारे घरे जानो है, थोड़ी जल्दी लाग रही है। तो एक दिन गुरु महाराज कहे लगा बेटा तू अतरी आकत करे है, जल्दबाजी करे है, मारी बात मान, मारी बात सुन। गुरु महाराज शिष्य ने कह रहा है गुरुदेव चेला से कहते अरे थोड़ा केड़ा मान ले हमारा, अरे मो माया में क्यों डूबा रे प्यारे ये झूठा जग संसारा। गुरु महाराज कह रहे बेटा ये संसार झूठो है, यो माया को सपनो है, यो सपना वाली संसार है, यह सब झूठी है, थोड़ा परम पिता परमात्मा में भी ध्यान लगा ले, भगवान को भी ध्यान कर ले, बाकी यानी माया का जाल का मैंने सैकड़ों फंस गया और सैकड़ों चला गया। तो गुरु महाराज कह रहे हैं गुरुदेव चेला से कहते के ना मान ले हमारी, अरे वो माया में क्यों डूबा प्यारे ये झूठा जग संसारी। भाई बंद और कुटुंब कबीला, भाई बंद और कुटुंब कबीला झूठी तेरी नारी, अरे तेरा कोई साथ न देंगे क्यों करता झूठी यारी। हाँ? अरे क्यों भरे पाप का तेला थोड़ा नाम भजन कर गेला। Oh,
सुन करके चेलो कहवा लागो गुरुदेव कसी बोली बात कर रहे हो आप, आप कह रहे हो संसार में कोई कंडोई नहीं है। अरे मारा घरे मारा माता पिता मारे घर वाली जटा तक मु घरे नहीं जाऊं बटा तक कोई भोजन नहीं करे पानी नहीं पीवे। और आप कह रहे हो संसार में कोई कंडोई नहीं है। चेलो कहवा लागो गुरु महाराज ने, गुरुदेव से चेला कहता, गुरुदेव से चेला कहता ये मेरा परिवार, अरे मैं हूँ इनका ये है मेरे मुझको लगते प्यारा। वो माया में उड़ जा रहा था मुझको बहुत सुहाता, अरे भाई बंद कुटुंब त्रिया से मेरा जुड़ा हुआ है नाता। अरे ये चेला इनके संग ही रहेला, थोड़ा राम भजन कर गेला। तो गुरुदेव केवल लगा रे बेटा थाने खबर नहीं पड़े हैं, तो आल बाड़ा के बच्चों हैं थाने मालूम नहीं है संसार को झगड़ो घनी प्रकार को है। और गुरुदेव कह रहे देख तू अगर मारी बात पे विश्वास नहीं करे तो मैं थाने एक चीज बताऊं। गुरु महाराज एक योग आसन की क्रिया बताई चलाने, जो योगासन महीने अपनो श्वास कपाली महीने चढ़ जावे पूरा शरीर मृत के समान में जावे, खाली सुनवे की शक्ति चालू रहे, बिल्कुल नाड़िया हंडिया बंद हो जावे, विने योग क्रिया कहवे है। वह गुरु महाराज ने चेला ने योग क्रिया सिखाई। और क्यों बेटा तने संसार को सत्य जानना है तो या जो मैं तने क्रिया बताई या घरे जाकर के श्वास तारी कपाली में चढ़ान थू एक कमरा में हो जाए तने मालूम पड़ जाएगा कौन थारो है कौन परायो है। तो गुरु महाराज कहे की तो देखो गुरुदेव चेला से कहते के ना मान ले हमारी, अरे श्वास बंद कर सो जा प्यारे पता लगे कौन कौन है तेरी। फिर ध्यान लगा कर सुनना प्यारे कौन तेरे क्या करता, अरे तू किसका लाडला बेटा और कौन तेरे पे मरता। अरे तुझे अभी मालूम पड़ेला, थोड़ा राम भजन कर गेला। कपाली में चढ़ा और एक कमरा में जान हो गयो। अबे घरवाला भी ने हेलो पाड़ वाला कह रे बेटा उठ रोटी खा ले, मिकी माँ हेलो पाड़े मिका पिताजी हेलो पाड़े छोरो हुणे लेकिन उठे नहीं है जदी ले
पूरा परिवार वाला इकट्ठा गया, कमरा में गया और नाड़ी देखी तो बिल्कुल खत्म। महिला वाला इकट्ठा हो गया गांव का, मैंने पूरा रोवो कूटो पड़ गयो, घर में रोवो कूटो पड़ गयो हो, एक बेटो हो खत्म हो गयो, नाड़ी बिल्कुल टूट गई है, खलास हो गयो है। या बात सुनते पूरो नगर, पूरो मोहल्लो, पूरो घर इकट्ठो भी हो और आगे की बात बढ़ा देखो। अरे गुरुदेव की बात पे चले को विश्वास हो गया, वो घूमता फिरता मकान में जाकर श्वास बंद कर सो गया। परिवार वाले हुए इकट्ठे, आज ही से क्या हो गया, अरे लाडला बेटा हमारा आज हम सबको छोड़ गया। अब हमारा कैसे परिवार चलेला, थोड़ा राम भजन कर गेला। समान वे गयो, पूरा महिला वाला इकट्ठा वेन के और भाई हो, एक एक बेटो हो खत्म वे गयो, इन्हें जलाना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है। लेकिन आश्रम पर बेटा जगह गुरुदेव ने मालूम है कि उन्हें चेला ने संसार को सत्य बताना है, अनि वास्ते वे आश्रम पर एक कागज की पुड़की का मायने पिसिद की शक्कर लेकर के मणि पुड़की ने बंद करना अपनी जेब में ने मेलन चले चले गांव में ने छिटे मणि चेला को घर हो मणि चेला का घर आया। आगे देखे तो रोवा कूटो पड़ रही हो, सब रो रिया और गुरु महाराज ने भी केवल लगा, गुरुदेव आपका आश्रम पे आते हो, आपकी सेवा चाकरी करते हो, और देखो नहीं चेला के आज कई बात भी आप इन्हें हमारो देखो। गुरु महाराज तो जान रिया और कहीं नहीं, मैं सब जान रही हूँ, लेकिन वे संसारिक लोग नहीं जान रिया कई भी अंडा ला रहे। अरे माता रोवे पिता रोवे, रोवे उसका भाई, अरे इतने में गुरुदेव आ गए आकर दवा बताई। केवे माता रोवे पिता रोवे, रोवे उसका भाई, इतने में गुरुदेव आ गए और आकर दवा बताई। गुरु महाराज के भाई रोवारी को मती करो छाना रो सब जना कई बात भी के देखो नी माँ के एक एक कमाऊ बेटो हो आज खत्म वे गयो, नाड़िया बिल्कुल बंद है। गुरु महाराज पास में जान देके कहा भाई नाड़ी बिल्कुल बंद है और यो मर गयो है, लेकिन अंडो एक इलाज जरूर है। गुरु महाराज के वाला का एक ही इलाज है अंडो, अगर कोई अणी बच्चा ने जिंदो छावो तो मारने की एक दवाई है, उनी दवाई ने काम में लेनी पड़े तो यो छोरो जिंदो वे सके, बाकी जीव तो नहीं वे सके। वह कई दवाई है गुरु महाराज, कई दवाई बने देखो। अरे दूध कटोरा मंगवा लेना, दूध कटोरा मंगवा लेना, कोई इसे पी जावे, अरे वो पीने वाला मर जावे और ये जिंदा हो जावे। अरे ये प्याला कौन पीवेला, थोड़ा राम भजन कर गेला।
तो गुरु महाराज कह की दो एक दूध को भूरे दो को कटोरो मंगायो और जेब का मैनू पीसद की वा शक्कर निकाली कुड़की मु खोल वाली दूध का कटोरा में मला और दूध में हल्ला दी दो और केवल अगर भाई जो भी वो दूध को कटोरो पीवेगा तो वो पीवा वालो मर जाएगा पर था को यो छोरो जीव तो वे जाएगा। या बात केतु पहले सबका कांदड़ा में सुन समागी सब जनावनी दूध का कटोरा ने पीनो तो चेटीरियो पड़वी का हमें नाड़नो भी पसंद नहीं कर रिया। चलो सब हुतो हुतो हुन जो कोई आल कटोरो पीवाने तैयार नहीं रियो मारे घर में का मेनू माई नटगी पिताजी नटिया फिर भी गुरु महाराज मनवार कर रिया। देखो वो दूध को कटोरो भरियो तो को ले पोड़ का महीने छोरा का पिताजी 80 साल की उम्र माचा का नीचे पग लटकाने बैठा देखा और पास में जान दूध को कटोरो हमें करन गुरु महाराज केवल लगा पिताजी ने के सुनो बासा गुरुदेव पिता से बोले गुरुदेव पिता से बोले आप इसे पी जाओ अरे आप भले ही मर जाओ पर अपना लाल जीवाओ। गुरु महाराज केवल लगा अरे बासा पे आप तो पाका पान हो बुढ़ारो है आप तो बेबली हो कटोरो पी जाओ तो कई ऐसी की नाराजगी बात नहीं है था को छोरो जीव तो वे जाए और दुनिया में था को नाम वे जाए कि बेटा का प्राण बचाओ का वास्ते पिताजी दूध को कटोरो पी गया। अबे या बात होने तो इनमें बास केवल लगा गुरुदेव से पिता बोले मैं नहीं इसको पीऊंगा अरे इसकी तो उम्र हो गई पूरी मैं तो बहुत जीवूंगा। ये प्याला पिताजी नहीं रे पीवेला थोड़ा राम भजन करगेला पिताजी नट गया छोरो कमरा में हुतो हुतो विचार करियो हो रोज तो मारा पिताजी कहवे मारे एक का एक लाल है थारा सवा और कई दूजी बात नहीं है आज यो प्यालो पियो वास्ते मना कर दी तो पिताजी। अतराज महीने गुरु महाराज अठने नाड़िया तो उन्हें छोरा के घर वाली लाडी ज्यादा ही पटका झटको कर रही रोवा रिको कर रही। गुरु महाराज वो कटोरो लेन अनि लड़का की घरवाली के पास में पहुंचा और केवल लगा है बेटा तू पतिव्रता औरत है और आगे जितनी भी सत्या भी सती अनुसैया सती सलोचना वना सब सत्या में थारो ही नाम अमर वे जाई कि पति का प्राण बचावा के वास्ते दूध को कटोरो पीगी। गुरु महाराज कह रहे त्रिया ने गुरुदेव त्रिया से बोले गुरुदेव त्रिया से बोले तुम हो उनकी नारी अरे ये प्याला तुम पियोगे तो नाम करोगी भारी। क्या बात होने तो प्यालो पीले बेटा थारो नाम अमर वे जाई सत्या में थारो नाम लिखा जाई तो वह घरवाली केवल लगी के गुरु महाराज मारी बात होनो अरे माता पीलो पिता पीलो माता पीलो पिता पीलो पीलो इसका भाई अरे ये प्याला मैं क्यों पीऊंगी मैं तो पराई जाई। अरे गुरु महाराज इका माँ बाप पीलो इको भाई पीलो
मु तो परे जाई हूं अंडा घर वाला प्यालो पीवाने तैयार नहीं था मारे दोलियो एरिया यो प्यालो मु नहीं पीऊंगा माता पीलो पिता पीलो पीलो इसका भाई ये प्याला मैं क्यों पीऊंगी मैं तो पराई जाई अरे मुझे और कोई पति मिलेला थोड़ा राम वचन कर गेला अरे गुरुदेव देवे सुन चेला थोड़ा हरि वचन कर गेला सतगुरु भगवान की घरवाली भी नटकी प्यालो पीवा वास्ते छोरो कमरा में हुतो हुतो हुण रियो के काले तो केरी मारा पिंटू का पापा था का सवा और कोई दूजी बात नहीं है आज यो कटोरो पीवा वास्ते नटकी अतराक में पूरा परिवार वाला इकट्ठा विया और क्यों गुरु महाराज आपके कोई आगे पाछे रोपा रिंगवा वालो नहीं है न तो कोई छोरा छापरिया की जाड़ है न कोई घरवाली की जाड़ है न कोई परिवार की जाड़ है यो कटोरो आप पी लो तो कतरो बढ़िया रहे तो पूरा परिवार वाला इकट्ठा वेन गुरु महाराज ने कहवा लगा कही कहवे देखो सब परिवार वाले हुए इकट्ठे सब परिवार वाले गुरुजी से बोले आप इसे पी जाओ अरे ये उपकार आपका होगा नाम अमर कर जाओ ये प्याला आप पियोगे तो जानेगा जुग सारा अरे अच्छा डोल निकाल देंगे और बारी करेंगे भंडारा फिर यहाँ सारा नगर भोजन करेला थोड़ा राम भजन कर गेला ओ गुरु देव के वे सुन चेला थोड़ा हरि भजन कर गेला गुरु भगवान की तो गुरु महाराज के सब तोड़ी हुआ गुरुदेव यो प्यालो आप पी लो आपको नाम अमर हो जाएगा और आपका पूरा गांव ने इकट्ठो करन मोटो डोल निकाल दांगा भारी भंडारो कर दांगा पूरा नगर ने हगरी जिमा दांगा यो प्यालो आप पी जाओ गुरु महाराज के और भाई मने तो पीनो ही है लेकिन था कोई पीवाने तैयार नहीं हो कि हाँ गुरु महाराज माँ की कोई हिम्मत नहीं है माँ नहीं पी सका और वही प्याला में कही हो खाली दर्पणी ही दर्पणी पीसिद की शक्कर महीने और कहीं कोई तो अंतिम चरण हंसते हंसते गुरुदेव पी गए हंसते हंसते गुरुदेव पी गए और नाम की ना भारी अरे गुरु भी जिंदा चेला भी जिंदा खुशी हुए नर नारी गुरु महाराज वो हंसता हंसता प्यालो पी गया कमरा का महीनू छोरो उठो वेन आयो
और गुरु महाराज के दंडवत प्रणाम कर चरणा में दोग दी दो बाबजी आप मने अनी दुनिया दारी हूं जगायो दूजो मु तो बेंडो वेन हूं तो कोई सो के सब मारे से सब मारे से धन धन हो मारा गुरुदेव ने अच्छा ज्ञान बताया अरे वो माया में उलझा हुआ था आज मुझे छुड़ाया राधा किशन गुरु शरण रहेला थोड़ा राम भजन कर गेला सतगुरु दयाल की